हेलो पीपल, अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा एक व्लॉग में एक जगह मैं गई थी। उस जगह का नाम था ट्रीट रिजॉर्ट सिल्वासा और उन्हीं की ये दूसरी प्रॉपर्टी है जहां मैं आज आई हूं और इस जगह का नाम है ट्रीट बीच रिजॉर्ट एंड स्पा। ये जगह गोलवर्ड में है और धानु से कुछ 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा के लोगों के लिए परफेक्ट स्टेकेशन है। तो आइए आपको दिखाती हूँ इस प्रॉपर्टी में क्या क्या है और इस प्रॉपर्टी का छोटा सा एक टूर देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज़ हिमानी चावला व्लॉग्स। सो ये है इनका रिसेप्शन एरिया और जैसे इनके गेस्ट आते हैं उनका स्वागत ये मज़ेदार वेलकम ड्रिंक के साथ करते हैं। थैंक यू। तो चलिए करते हैं पहले चेक इन और फिर लेकर चलती हूँ आपको अपने स्वीट में। नमस्कार, थैंक यू। चलिए, ये है रिसेप्शन एरिया जहाँ से अभी वे बाहर निकली और ये है इनका मेन एंट्रेंस। फिर ये बच्चों के लिए एक प्लेइंग सेक्शन है। फिर ये इनका एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है जायका। यहाँ हम रात को आएंगे। फिर ये एक और इनका कैफ़े है, वुड्स कैफ़े, जहाँ आज हम लंच करेंगे। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपने रूम की तरफ। ड्रेसिंग टेबल दे रखा है, यहाँ पर आप रेडी हो सकते हैं। फिर इसी के साथ एक बहुत ही कोजी सा बाथरूम है जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो अपना लग्जूरियस स्वीट दिखाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने मज़ेदार से लंच के लिए। नीचे इनका एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है जायका और जो मेरा लंच का सेटअप किया है वो किया है वुड्स कैफे में। तो आइए आपको दिखाते हैं आज लंच में क्या क्या है। तो खाने में इतनी वैरायटी है, इट्स ऑल वेज। मतलब प्रेजेंटेशन देखकर लग रहा है एक मास्टर शेफ लेवल का प्रेजेंटेशन है। एंड टेस्ट में खाने के बाद आपको बताऊंगी। फिलहाल मुझसे रहा नहीं जा रहा है, खाने पर अटैक करती हूँ, फिर आपसे वापस मिलती हूँ। लंच करने के बाद मैंने थोड़ी देर रूम में रेस्ट किया और अब मैं जा रही हूँ बीच एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक बीच है जिसका नाम है बोडी बीच। वहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारे एक्टिविटीज़ अरेंज किए हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या है। बोडी बीच पे और करने वाले अपनी एडीवी बाइक राइड। तो चलिए बाइक राइड का मजा लेते हैं और फिर आपसे वापस मिलती हूँ। काका मैं कुछ बोले भी नहीं तुमको, ठीक है। एनीवे हम लोग अपनी एडीवी बाइक राइड करने के बाद यहाँ आए थे कैमल राइड के लिए, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं कैमल की राइड नहीं करूँगी।
और यहाँ पर वैसे कैमल राइड होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, मतलब इस तरह से आप ये पीछे देख रहे हो। तो वापस चलते हैं हम अपने रिजॉर्ट की तरफ और फिर वहाँ चल के अपनी हाइटी को इंजॉय करते हैं। तो आ गई हूँ मैं बीच से वापस और अब जा रही हूँ रूम में चेंज वेंज करने के लिए। सोचा है कि थोड़ा गर्मी है तो पूल वूल में जाया जाए और पूल में अपने अरे हेलो 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 मेरे उठाओ मेरा फोन क्यों लेके भागा था पहले ये बता। वेरी नाइस। अरे साइकिल तो उठा अपनी तो ये उस प्रॉपर्टी से निकला था लास्ट मेरे व्लॉग में, एक प्रॉपर्टी से साइकिल पे निकला था। ये बंदा अभी भी साइकिल पे घूम रहा है। तरफ जाते हुए देखिए बीच में मैंने देखा कि लाइट्स ऑन हो। स्पेशल रिक्वेस्ट पे आपके स्पेशल गेस्ट के लिए ये लोग ये डिनर अरेंज करते हैं। मतलब तारों की छांव में एक रोमांटिक सा डिनर इस तरह से एंजॉय करना और क्या चाहिए बस। तो ठीक है मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और अपने डिनर को एंजॉय करती हूँ क्योंकि इस फ्यूजन मेन्यू को तो मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा तो मजेदार सा डिनर हो गया इनके गजीबो सेटअप में। लेकिन जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने ये रेस्टोरेंट इनका देखा, इसका नाम है जायका। आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत लग रहा है लाइट्स के साथ में ये। तो हो गया जी सोने की तैयारी, आपको मिलती हूँ कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग पीपल। तो आज ऐसा है, महारानी जी का कहीं जाने का मन नहीं था। अब इतना बड़ा लग्जूरियस स्वीट है तो क्यों ना इस स्वीट में अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया जाए। इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले अपने फ्रूट्स पे अटैक करती हूँ और फिर सारा ब्रेकफास्ट करके आपसे वापस मिलती हूँ। तो हो गया जी ये स्टेकेशन ये व्लॉग भी खत्म। अगर आपको ये जगह ये स्टेकेशन ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लव एंड पीस।